आगे हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए, और यही सुपर वीडियो और अपनी 650 वही देख सकते हैं। और जो मैंने इससे पहले आपने देखा होगा सर्विस की वीडियो डाली थी लास्ट टाइम, जो मैंने डाली थी वो एक फॉगलाइट जो इंस्टॉल किया था वो वाला। अब इसमें डालेंगे हम NGK की जो स्पार्क प्लग की किट होती है वो डालेंगे, और पूरे YouTube में सुपर मीटियोरों में किसी ने नहीं लगाया होगा अभी तक जो है NGK की जो किट है। तो भैया ने ऑर्डर किया है, उन्होंने मंगाया, कह रहा है ये लगाओ पंकज, क्या परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। तो इंटरसेप्टर में हम ऑलरेडी लगाते थे, हिमालयन इंटरसेप्टर में लगाते थे, तो इसमें भी लगाते हैं। सेम पावर, सेम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सेम होता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, सबको सारी चीज़ें बताऊँगा। और इसमें एक डालना है हमें क्रोम वाला लेग गार्ड। आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा मेरे सुपर मीटियोर का, उसमें मैंने ब्लैक वाला लेग गार्ड डाला है, इसमें क्रोम वाला लेग गार्ड डालूंगा। आपको क्रोम और ब्लैक में देख लेना कि कौन सा अच्छा लगता है, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो पहले आप मैं इसमें लेग गार्ड वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूं, और लेग गार्ड की फिर से आपको पॉइंट वगैरह दिखा दूंगा, और क्रोम में बाइक कैसी लग रही है लेग गार्ड में वो भी दिखा दूंगा, और ये किट इंस्टॉल करूंगा तो आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा कि क्या क्या खोलना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें नहीं खोलनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं इसमें लेग गार्ड इंस्टॉल करता हूं और फिर आपको मिलता हूं। तो दोस्तों ये है NGK की जो किट होती है, आप देख सकते हैं, देखिए NGK 5000 की है। और इसमें निकलता क्या क्या है मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। एक इसमें कीचेन निकलेगा आपका, और ये आपके दो स्पार्क प्लग हो गए, देख सकते हैं इरिडियम दो हो गए। ये इसकी स्पीड फायर केबल होती है जो वो होगी, और इसमें आपके कैप आते हैं अडेप्टर वगैरह जो रबड़ होती है उनकी, वो रेड वाले अडेप्टर हैं इसमें। तो ये कुछ इस ये ही निकलता है इसमें सारा काम। अब आपका दिखा दो, ये देखिए लेग गार्ड जो हो गया अपना, ये क्रैश गार्ड की क्रोम की क्वालिटी देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्रोम किया हुआ है इस पर, तो क्रोम भी देखने में अच्छा लगेगा काफ़ी, ये देख सकते हैं देखिए। तो अभी और ये कि मास्टर सिलेंडर का कवर हो गया यहाँ पे जो लगाना है आपने को, तो अभी मैं इसमें लेग गार्ड पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपका जो ये लगाऊंगा क्या बोलते हैं आपका स्पीड फायर केबल वगैरह, तो वो आपको फिर दिखाऊंगा तो कैसे कैसे इंस्टॉल करनी है, क्या क्या खोलना पड़ेगा। पहले मैं लेग गार्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइस ये अपनी जो कॉयलें हैं दोनों देख सकते हैं, देख दोनों कॉयल को खोल के बाहर निकालते हैं, और इसके अडेप्टर वगैरह सारी लीड कॉयल वगैरह दोनों जो लीड वायर है दोनों, ये दोनों हटा देता हूँ। एक इस तरफ है देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ लगा रखा है इन्होंने, और इसकी डिफरेंट कॉयलें हैं इंटरसेप्टर से अकॉर्डिंग, और दोनों कुछ कुछ चीज़ें इनमें इसमें इम्प्रूव करी हुई इन्होंने कि इंटरसेप्टर से कुछ चीज़ें। तो अभी मैं इसको भी निकालता हूँ आपको और फिट करता हूँ, फटाफट फिट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे फिट करनी होती है। तो दोस्तों ये कॉइल देख सकते हैं मैंने निकाल दिया है, और सुपर मीटर की कॉइल है देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ये वाला जो पार पोर्शन है इसका अडेप्टर जिसको बोलते हैं प्लग का, इसको रिमूव कर लेना आपको, ये रिमूव कर दिया मैंने, निकाल कर रख दिया है। अब ये जो वायर है कॉइल यही रहेगी आपकी, ये जो वायर है इसको कनेक्ट करना है डिस्कनेक्ट आपको यहाँ से, तो इसको घुमा घुमा के थोड़ा सा आपको टाइट लगेगा, निकालना पड़ेगा आपको बस। देख सकते हैं ऐसे मैंने घुमा के निकाला, ये इजीली निकल चुका है देख सकते हैं। और इसके अंदर देखेंगे तो नोप है देख सकते हैं, ये नोप में ही टाइट होता है, इसमें चूड़ियाँ होती हैं बेसिकली। तो एक बार इसमें हवा फूक मार के, और जो इसकी जो रबड़ है कॉयल है जो वायर है वो इंस्टॉल करनी है आपको, ये वाली देख सकते हैं, आपको किट दिखाई थी मैंने वही वाली किट है, और ये इंस्टॉल करना है इसमें। तो दोस्तों ये कॉइल हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है देख सकते हैं, देखिए मैंने इसमें लगा दिया, और एक देख सकते देखिए NGK लिखा हुआ है इसमें किट, और अब इसको लगा दिया, देखने में अच्छी भी लगती है और इसकी परफॉर्मेंस वाइज में बहुत फ़र्क पड़ता है जब ये खास करके हाई स्पीड में होती है तब, क्योंकि जब उस टाइम करंट जो है एक्यूरेट करंट आता है बिल्कुल ही। तो अभी मैं आपको इसको लगा के और चला के भी देखूंगा कि परफॉर्मेंस में कैसा फ़र्क पड़ा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये एक इंस्टॉल हो चुका है, सेम प्रोसेस दूसरे वाला भी है, पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और आपको फिर दोनों लगा के फिर दिखाता हूँ। तो गाइस ये होता है इरिडियम प्लग देख सकते हैं NGK का, और ये नॉर्मल स्पार्क प्लग हो गया आपका देख सकते हैं, देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग हो गया। तो ये वाला अपना लगेगा इसमें, और जो नॉर्मल वाला है ये मैंने सुपर मीटर 650 से निकाला, और ये इरिडियम प्लग जो हम लगा रहे हैं इसमें NGK के किट के साथ देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते किट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ये अपनी लेफ्ट साइड की होगी और ये अपनी राइट साइड में, ये देखने में भी अच्छी लगती है वैसे भी, और अच्छे के साथ साथ इसके परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेटर है ये। तो आप इसकी टंकी वगैरह लगाते हैं और आपको सीधा टंकी में लगा के फिर इसको चलते हैं, टेस्ट ड्राइव लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे।
और अभी आपको क्रैश गार्ड वगैरह भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो गाइस बाइक हो गई बिल्कुल डन, देख सकते हैं। देखिए मैंने स्पीड फायर केबल जो इंजेक्टर की किट है वो लगा दिया है और क्रोम के साथ लेग गार्ड देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है। लेग गार्ड जो है इस बाइक के साथ बिल्कुल ही मैच हो रहा है क्रोम में, खास करके क्रोम ब्लैक से मुझे आज ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख सकते हैं क्रोम में। लेकिन आपकी चॉइस है आप कौन सा लगाते हैं, लेकिन ये देखिए काफ़ी ब्रॉड लग रहा है देखने में। और इसमें मैंने मैकडॉग जो अल्फ़ा लाइट है वो इंस्टॉल कर दिया, इसमें वही वाली लाइट है, मैंने इसमें मैकडॉग का जो क्लैंप है वो इंस्टॉल करके और लगा दिया मैंने इसमें। यहाँ पे फिट बिल्कुल, मैंने कहा था ना जो छोटे वीडियो में कि आपको बिल्कुल यहाँ पे फिट आएगी, फॉग लाइट लगाएंगे कभी भी। तो और बाइक का लुक देखिए कुछ किस तरीके का, अभी यहाँ से देखिए कुछ तरीके का है। रेड रेड पे तो एक क्रोम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पर अपनी आ गई है ये देख सकते हैं देखिए। तो वीडियो में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये लेग गार्ड जो है कैसा लगता है, और फिटिंग भी दिखा दूँ आपको देख सकते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट से फिटिंग, एक यहाँ से पॉइंट से फिट है सीधा डायरेक्ट, और ये बीच से ज्वाइंटर होता है कि लगी तो घूमे ना। और क्रोम की क्वालिटी देखिए बिल्कुल, क्रोम की क्वालिटी बहुत ही क्लीन है ये देख सकते हैं। वेल्डिंग वगैरह भी आपको फिनिश बहुत तगड़ा है इस लेग गार्ड का, ये देख सकते हैं देखिए दोनों तरफ से देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो है मैंने इसमें कैसे जो क्रोम वाला लेग गार्ड है वो इंस्टॉल कर बाइक में कैसी लग रही है आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने इसमें स्पीड फायर केबल जो डाला है, जो NJK किट डाली है, उसका बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूँ कि स्पीड फायर केबल की जो मतलब होता है कि जो बेसिकली जो हाई स्पीड पर जाती है बाइक, तो उस टाइम जो होता है कि उसके करंट जो है होता है एक्यूरेसी मिलता है। और इसमें अडेप्टर वगैरह जो होते हैं इनके बहुत अच्छे होते हैं कि इसमें जैसे आपने देखा नॉर्मल वाले में वॉश करवाते तो उसमें करंट लीक होने लगता है, बहुत दिक्कत है, उसमें कार्बन जमने लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमेशा ना तो इसमें खराब होता है कभी, ना ऐसा कुछ होता है, ना इसमें कहें चाहे आप बारिश में चाहे गीला कर लो चाहे पानी में कितना भी इसको धुला लो, इसमें से करंट लीक नहीं होता कभी भी। आप ये ध्यान रखिए कि जो NJK किट होती है, जो स्पार्क स्पीड फायर केबल होती है, इसमें से लीक नहीं होता है। तो बस मैंने कहा एक वीडियो बनाया सबका आप सबको दिखाया था। तो बस आज की वीडियो में इतना इंतजार के नए वीडियो में, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।